नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड-19 वैक्सीन के लिए आज प्रमाण पत्र को मिली मंजूरी। इस ऑर्डर के तहत होगा बिहार में पंचायत चुनाव। बिहार में जल्द ही शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। पनबिजली के क्षेत्र में बिहार ने लगाई लंबी छलांग। HDFC बैंक लूटकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 400 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 के बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 385 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,803 पर पहुंच गई। इसके साथ ही प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 7, अरवल में 5, औरंगाबाद में 3, बांका में 5, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 10, भोजपुर में 3, बक्सर में 3, दरभंगा में 22, ईस्ट चंपारण में 11, गया में 1, गोपालगंज में 28, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 6, कटिहार में 17, खगड़िया में 9, किशनगंज में 7, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 20, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 3, नवादा में 4, पटना में 40, पूर्णिया में 35, रोहतास में 2, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 18, सारण में 15, शेखपुरा में 3, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 12, सुपौल में 15, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,13,525 सैंपल की जांच की गई है। वहीं 568 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में जल्द ही शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। बिहार में जल्द ही भूमि सर्वेक्षण के काम को शुरू किया जाना है। बिहार के 90 अंचलों के बाद अब 130 अन्य अंचलों में भी जल्द ही भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 18 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दी है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित अंचलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त शिविर गठन करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, शिवहर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, जमुई, मुंगेर और नालंदा में बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया। NMCH में शुरू हुई OPD सेवा, वहीं IGIMS में भी जल्द होगी शुरू। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। लगातार मामलों में आ रही गिरावट के कारण अब अस्पतालों में सामान्य सेवाओं को भी शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में कोविड-19 की रफ्तार में कमी को देखते हुए NMCH में OPD सेवा की शुरुआत बीते दिन हो चुकी है, जिसके बाद आज से इंडोर सेवा की शुरुआत करने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सेवा शुरू होने के पहले दिन मरीजों की संख्या कम देखी गई। NMCH अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून से मरीजों के लिए इंडोर सेवा फिर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही NMCH के बाद अब IGIMS में भी 19 जून से OPD सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए मरीजों को मोबाइल ऐप के जरिए नंबर लगाने की सुविधा दी गई है। कार्यकाल पूरा होते ही मुखिया जी का बदला पदनाम। बिहार पंचायत चुनाव में इलेक्शन के अभाव के कारण मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद अब कार्यकाल पूरा होते ही मुखिया जी का पदनाम भी बदल गया है, जिसके तहत अब मुखिया जी परामर्श समिति के प्रधान के नाम से जाने जाएंगे। इसी तरह प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच भी अपने अपने परामर्श समिति के अध्यक्ष के नाम से जाने जा रहे हैं, जबकि अन्य सभी प्रतिनिधि समिति के सदस्य अथवा उपाध्यक्ष हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2016 में गठित पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी का निर्वाचन कार्य कोविड-19 संक्रमण के कारण समय से संभव नहीं हो पाया था। बिहार में एक IAS अधिकारी का हुआ तबादला तो कुछ को मिला अतिरिक्त प्रभार। बिहार के प्रशासनिक गलियारे में बीते दिन बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य सरकार ने एक IAS अधिकारी का तबादला कर दिया, जबकि 2 IAS अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में बदलाव कर दिया है, जिसकी सारी जानकारी बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके तहत 1995 बैच के IAS अधिकारी विजय लक्ष्मी का तबादला प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पद पर कर दिया गया है। पहले उन्हें गंगा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया था। इसके साथ ही कृषि विभाग के सचिव NS सरवन कुमार को गन्ना उद्योग के विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही उन्हें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव पद अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा 2003 बैच के IAS अधिकारी वंदना प्रेसी को कला, संस्कृत एवं युवा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही 2 IAS अधिकारी वंदना किनी और रवि मनु भाई परमार को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह की। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म आज ही के दिन बिहार में हुआ था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में माना जाता है। उनका सौभ्य, सिंध, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दर्पो दीप्त शख्सियत
बिहार के जनगणमन पर अधिकार किए हुए था। वे देश के स्वाधीनता संग्राम के महान नायकों में से एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। HDFC बैंक लूटकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। HDFC बैंक लूटकांड के बाद लगातार पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखे हुए थी। वैशाली में हुए सबसे बड़े लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत 1,19,00,000 रुपए में से करीब 93,00,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी पुष्टि जिले के SP मनीष ने की है। इतना ही नहीं, इस मामले में कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने 10 जून को हाजीपुर में HDFC बैंक में 1.20 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसमें बैंक के 1,19,60,000 रुपए थे, जबकि 44,000 ग्राहक के थे। ग्राहक बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाया था। जमा करने से पहले की घटना यह हो गई थी। COVID-19 वैक्सीन के लिए 8 प्रमाण पत्र को मिली मंजूरी। COVID-19 वैक्सीन को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने केवल आधार कार्ड के अलावा अन्य 8 प्रमाण पत्र को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब टीकाकरण के लिए आधार कार्ड के अलावा लाभुक अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मदद ले सकते हैं। सरकार एवं विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने पूर्व के आदेश में यह संशोधन किया है। बिहार के अफसरों और कर्मियों के लिए जिलों में बनेगा बहुमंजिला इमारत। अफसरों और कर्मियों के लिए जिलावार बहुमंजिला इमारत बनाने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार COVID-19 की दूसरी लहर के बीच बचे हुए काम को तेजी से बढ़ाने के लिए जिलों के भू संपदा पदाधिकारियों से जमीन का ब्यौरा तलब किया गया है, जिसके बाद भवन बनाकर उसे अफसरों और कर्मियों के लिए आवंटित किया जाएगा। जानकारों की माने तो जमीन की कमी को देखते हुए यह मसौदा तैयार किया गया है। अलग अलग आवास बनाने के बजाय बहुमंजिला इमारत बनाकर कर्मी अफसर को फ्लैट दिया जाए, इससे एक तो जगह की बचत होगी, दूसरी ओर लागत भी कमाएगी। हालांकि इससे पहले मार्च महीने में जिलों के भू संपदा पदाधिकारियों से जमीन का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन इस बीच COVID-19 की दूसरी लहर और बाद में लॉकडाउन की वजह से यह मामला लटक गया। पनबिजली के क्षेत्र में बिहार ने लगाई लंबी छलांग। COVID-19 के ग्राफ के नीचे आ जाने के बाद बिहार में विकास की गाड़ी भी अब रफ्तार पकड़ रही है, जिसके तहत ही राज्य में 13 में से 10 पनबिजली परियोजना में बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। इस समय करीब 50,000 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। बाकी 3 परियोजनाएं बिजली उत्पादन के लिए जल स्तर प्राप्त होने के बाद चालू होंगी। पनबिजली इकाइयों से उत्पादित बिजली अभी 2.49 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस साल नदियों में पानी बढ़ने की वजह से लहरों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी आने लगी है। इसका लाभ ही राज्यों की पनबिजली परियोजना को हुआ है। जानकारों की माने तो अगर क्षमता अनुसार पनबिजली परियोजना को पानी मिलने लगे तो 54.3 मेगावाट बिजली उत्पादन होने लगेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर की वैधता बढ़ी इस महीने तक। COVID-19 के वर्तमान माहौल और देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को देखकर सरकार ने बीते दिन ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वो फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेज की वैधता को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस का लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत होगा बिहार में पंचायत चुनाव। COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पंचायत चुनाव का आयोजन करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ सही रहा तो निर्वाचन आयोग अगले 3 से 4 महीने में पंचायत चुनाव का आयोजन करवा सकती है। इसको लेकर पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे प्रदेश में M2 मॉडल के ईवीएम लगाने का फैसला किया है। हालांकि पहले M3 मॉडल ईवीएम से चुनाव कराने की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचन आयोग को इस बात की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में अब अंतिम रूप में M2 मॉडल से चुनाव कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। होम डिलीवरी कुरियर करने वाले कंपनियों के कर्मियों का होगा टीकाकरण। COVID-19 के माहौल में भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे होम डिलीवरी और कुरियर करवाने वाले कंपनियों के कर्मियों को लेकर सरकार ने अब टीकाकरण का आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से सभी जिला पदाधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार Amazon, Flipkart, Myntra, Domino's, Zomato, Swiggy और कुरियर सर्विस इत्यादि होम डिलीवरी करने वाले सभी कंपनियों के सभी कर्मियों का COVID-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसको लेकर संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और तारीख निर्धारित कर सभी कंपनियों से बात कर यथाशीघ्र वैक्सीनेशन कराने का काम भी शुरू किया जाएगा।
पटना के सरकारी स्कूल को खोलने का जारी हुआ आदेश। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पटना के सभी स्कूल को खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत 50% शिक्षक और शिक्षेत्तर और कर्मचारियों के उपस्थिति के साथ स्कूल के संचालन का आदेश दिया गया है। हालांकि स्कूल फिलहाल बच्चों के लिए बंद रहेंगे, वहीं घर से ही वो ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले हैं। इस बाबत पटना DEO की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। साथ ही स्कूल खोलने के दौरान शिक्षक और छात्रों के अभिभावकों का टीकाकरण, छात्रों को मिलने वाले मिड डे मील योजना के खाद्यान्न का वितरण, अभिभावकों को किए जाने वाले आदेश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पटना के सभी सरकारी स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर बनेगा टू लेन पुल। बिहार झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर पांडुका में टू लेन पुल बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने अपना बयान जारी किया है और बताया कि इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार का झारखंड और छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगा। साथ ही यह इलाका बिजनेस कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करेगा। इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से भी रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति के बाद जल्द ही इसके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2.5 किलोमीटर लंबे इस सड़क पुल के बन जाने से बिहार और झारखंड की दूरी में काफी कमी हो जाएगी। इसको लेकर कुल मिलाकर सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 204.24 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। आपको बता दें, सोन नदी पर यह बनने वाला बिहार का छठा पुल होगा। बिहार पुलिस दरोगा सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती की कट ऑफ हुई जारी। BPSSC की तरफ से दरोगा सर्जन और सहायता जेल अधीक्षक के पद पर बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। इसके साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 75%, तो इसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए 68.8% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 72.5% है। इसके साथ ही 65.4% रहा। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 72.8 और 63.8 रहा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 71.6 तो वहीं महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 59.3 रहा। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 67.53% रहा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों का 70.3 और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 58.4 रहा। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 3% सीटों के लिए कट ऑफ 63.7, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती और नाती नतनी के लिए आरक्षित कोटे का कट ऑफ 66.1 और महिला वर्ग में 64.8% रहा। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गुरुवार को अचानक मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जहां पहुंचकर लगभग एक घंटे दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद वो सीधे अपने सरकारी आवास पर जाकर चुप्पी साध लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मांझी की चुप्पी पर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने पार्टी की मीटिंग में कहा था कि दलितों के कई इश्यू है जो आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं। वो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। बिहार में निबंधित संगठनों के अंदर बदलाव करना अब होगा और भी मुश्किल। बिहार में किसी भी निबंधित संस्था में संशोधन या परिवर्तन से पहले और ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। निबंधन विभाग ने इस बाबत सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षकों और जिला अवर निबंधकों को आदेश जारी कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी संस्था या फिर संशोधन में परिवर्तन करने से पहले कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी, जिसके तहत यह देखा जाएगा कि संस्था को किसी भी प्रकार का विदेशी धन या चंदा तो नहीं मिल रहा है। अगर विदेशी धन या चंदा नहीं मिल रहा तो संस्था के अध्यक्ष और सचिव इसका हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र देंगे और इसके साथ ही संस्था के आम सभा में पारित प्रस्ताव, ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन आदि की जांच भी निबंधन विभाग के अधिकारी ही करेंगे। चिराग पासवान जल्द ही करेंगे संघर्ष यात्रा की शुरुआत। चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी में हुई बगावत के बाद सबकी नजर चिराग पासवान के अगले कदम पर है। इसी बीच ABP न्यूज की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान अपने सहयोगी और समर्थकों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके तहत तबीयत ठीक होने के बाद चिराग पासवान अब दिल्ली से पटना रवाना होने वाले हैं। इस दौरान चिराग अपना समय बिहार में ज्यादा बिताना चाहते हैं, ताकि पार्टी को नए सिरे से उठा सके। चिराग पासवान का मानना है कि बगावत के बावजूद पार्टी के ज्यादातर वोटर उन्हीं के साथ हैं, जिसके बाद चिराग पटना पहुंचते ही संघर्ष यात्रा की शुरुआत करने वाले। इस यात्रा का मकसद पूरे बिहार में घूम घूम कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का प्रसार करना और लोगों की समस्याएं सुनना है। पशुपति पारस ने चिराग को कहा तानाशाह। लोक जनशक्ति पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही चिराग पासवान के खिलाफ तल्ख रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने चाचा भतीजे के रिश्ते को भुलाकर चिराग पासवान को तानाशाह की उपाधि दे दी है। बीते दिन अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पशुपति ने कहा कि भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, दल के साथियों ने अहम जिम्मेदारी दी है। केवल मेरा नामांकन हुआ है, किसी दूसरे ने नहीं किया। दल के सभी साथियों ने जिम्मेदारी दी है,
हमारा आगे यह प्रयास रहेगा कि अपने बड़े भाई के सपने को साकार करें। हमारी पार्टी 21 साल की हुई है। इसके साथ ही पशुपति पारस ने इस दौरान पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भी दल में वापस आने की अपील की है। सीबीएसई ने बनाया 12वीं रिजल्ट का नया फॉर्मूला। सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन पेश कर दिया गया है, जिसके तहत 3 साल के औसत अंक के आधार पर 12वीं के परिणाम की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके पहले 3 जून को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को आधिकारिक रूप से जानकारी दी थी कि कोविड-19 के मद्देनजर इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की सराहना की थी। इसके बाद कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को छात्रों को अंक देने के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। 2 हफ्ते के बाद ही बीते दिन कमेटी ने निष्कर्ष कोर्ट के सामने पेश किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ। 1946 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ। 1987 में M.S. स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म साल 1887 में हुआ था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हो सकती है बारिश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत आज से होने वाली है, लेकिन जानकारों की माने तो आज से शुरू होने वाले इस चैंपियनशिप में बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो साउथहैम्पटन का मौसम इस वक्त मैच के मुताबिक नहीं है और मैच के 5वें दिन ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच के 5 दिन में पहले 4 में से 1 दिन के बारिश के भेंट चढ़ने की पूरी उम्मीद है। वैसे आईसीसी की तरफ से इस अहम मुकाबले के लिए बारिश को ध्यान में रखते हुए 1 दिन रिजर्व के तौर पर रखा गया है। WhatsApp जल्द ही नए कलर में आएगा नजर। WhatsApp यूजर के लिए अहम सूचना। WhatsApp जल्द ही नए स्वरूप में नजर आ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अब आपको जल्द ही एक नए कलर में नजर आएगा, जिससे आपका चैटिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा। कंपनी अपने ऐप पर नोटिफिकेशन इंटरफेस में कुछ चेंज करने जा रही है। अभी ऐप में ग्रीन कलर में नोटिफिकेशन शो होती है, लेकिन जल्द ही आपको डार्क ब्लू कलर में नजर आएगी। ऐप में यह बदलाव कब तक किया जाएगा, इसको लेकर कोई अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,350 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,350 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.29 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.92 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप राम, इकबाल कुमार, प्रवीण कुमार, अनुज कुमार, संजय प्रसाद, रानी प्रवीण, मोनू कुमार, सूरज कुमार, विकास पासवान, जितेश कुमार, नरेंद्र प्रसाद सिंह, रोशन कुमार, टुनटुन यादव, डब्लू राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले आज से टेस्ट मैच में किसका पड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।